साला मा देगा माँ का। तो कल जो डिलीवरी लिया था बाइक, आज फाइनली फर्स्ट सर्विसिंग के लिए दे दिया यहाँ पे जो एपेक्स मोटर्स है। ये क्या दीदी, दारू है क्या? पेट्रोल है। रोड तो पूरा टूटा हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑफ रोडिंग मिला ही नहीं, साला भयानक ऑफ रोडिंग हो रहा है अभी। ओ बाप रे, ये तो पूरा किडनैपिंग कार वाला रैली है। जय शंकर बाबा, जय शंकर बाबा, जय शिव शंभु। अभी सुबह का टाइम हुआ है 4:48, तो फिर से निकल पड़ा है एक नए राइड पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करते हैं आप लोग सब मस्त है, बढ़िया है। और पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला ही था कि हम लोग जा रहे हैं सिक्किम, तो आज सिक्किम का डे वन है। अभी हम लोगों का मीटअप पॉइंट है थोड़ा आगे, मालेगांव फ्लाईओवर के नीचे कामाख्या मंदिर का जो गेट है उसके सामने होगा हम लोगों का मीटअप। और अमित और मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को बोला ही था पिछले वीडियो में। अमित और मैं कल लिया था बाइक का डिलीवरी और आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं सिक्किम। और बाइक चलाने का जो मज़ा है ना, ये नया नया बाइक, बाप रे बाप, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। फेमस कामाख्या टेम्पल है ना, तो आगे जाते हैं। ये वाला है गेट और यहाँ पे अमित भाई एक्साइटेड, बहुत भाई एक्साइटेड ना। चलो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे ना, नया बाइक में नया एडवेंचर होगा पहली बार, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे यहाँ पे, चलिए जाते हैं ना। फुल जोश भाई, फुल जोश। कल बाइक डिलीवरी ली और आज ऑन द गो। नंबर पे तो इतना जल्दी मिलता नहीं है ना, तो ऐसे ही नॉर्मल पेपर में लगा हुआ है, ऐसे ही जाएंगे हम लोग। चलिए क्या होता है क्या नहीं कुछ बताएंगे आप लोगों को। Let's go. चलो माँ का आशीर्वाद भी ले लिया, जय कामाख्या माँ। चलो ये वाला जो ट्रिप है अच्छे से हो जाए बस यही, जय कामाख्या माँ। गुवाहाटी निकलने से पहले मैं ट्रिप वन को कर दिया था पूरा जीरो। अभी 50 किलोमीटर ऑलरेडी चलाया, लेकिन इसका जो एवरेज दिखा रहा है ना 35 किलोमीटर पर लीटर यार, 35, सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। नया नया बाइक, एक सर्विसिंग भी नहीं गया, 51 किलोमीटर चलाया और नीचे है आपका 35.2। बाप रे, ठीक है अगर 35 देता है तो हाईवे में और क्या चाहिए भाई। 450cc का बाइक अगर 30 स्पीड है ना, बहुत है भाई। हाँ मेरे लिए तो बहुत है, 30 देता है तो मस्त। अभी 35 दिखा रहा है यहाँ पे। आज हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक, जो कि गुवाहाटी से 540 किलोमीटर दूरी में है, और वहाँ पे स्टे करेंगे हम लोग। और कल कहाँ जाऊँगा आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, और अपडेट के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारा अपडेट करता रहता हूँ। बोंगाईगांव में हम लोग रुकेंगे, कुछ खाएंगे है ना। सुबह सुबह तो सिर्फ ओट्स खाया था, तो उसके बाद कुछ खाया नहीं था। वहाँ पे जाके कुछ चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर से चालू होगा हम लोगों का राइड। अरे बाप रे, क्या है ऐसा, है ट्रेन का इंजन है ऐसा तो लग रहा है। बहुत पुराना इंजन होगा, पड़ा हुआ रहेगा, तो इसीलिए शायद उठा के लेके आ गया। ट्रेन का इंजन ही तो लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। चलो फ्यूल अप कर लेते हैं ना, यहाँ पे ना मेरा ब्लिंक भी मार रहा है। और इधर में एक चीज़ अच्छा है, जब रिजर्व में पड़ता है ना तो यहाँ पे दिखाता है कि कितना किलोमीटर और जाएगा आगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 86 किलोमीटर, तो इतना रिक्स नहीं लेंगे, नया नया गाड़ी है तो पहले फ्यूल अप कर लेते हैं। पूरा टैंक फुल देख सकते हैं, ये रहा ट्रिप वन। तो ऐसे ही नॉर्मल मैंने चलाया अभी तक 172 किलोमीटर, और माइलेज दिखा रहा है यहाँ पे 34.9, और अभी टैंक फुल हो गया। ये रहा ऑल न्यू हिमालयन, एक भी सर्विसिंग नहीं हुआ अभी तक, और हम लोग देखेंगे टैंक टू टैंक माइलेज चेक करेंगे। यहाँ पे जो मीटर का दिखा रहा है ये सही है कि नहीं हम लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा आगे। चलिए
हम लोग रुकने वाले थे बोंगाईगांव में, लेकिन बहुत देरी बाइक चलाया और अमित भाई भी कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए डायरेक्ट आके रुका हुआ हम लोग। बारोबिसाई नाम का जगह है, तो यहाँ पे है बबलू थाबा। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत देरी से खाया नहीं था, और आने के टाइम पे ऐसे ही नॉर्मल उच्च खाया था, तो इसीलिए थोड़ा अभी ऑर्डर कर दिया डोसा, मसाला डोसा खाएंगे और निकल जाएंगे ऐसे। तो अभी तो हम लोग वेस्ट बंगाल में एंट्री कर चुके हैं, तो आने के टाइम पे भी थोड़ा क्लाउडी था हम लोगों का गुवाहाटी में, लेकिन सुबह सुबह इतना पता नहीं चलता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ना क्लाउडी हो रहा है और वेस्ट बंगाल से जाना है बहुत दूर। कौन सा रोड से जाएंगे हम लोग सब कुछ बताएंगे, पहले खा लेते हैं बढ़िया से। चलो अमित भाई, आ गया हम लोग का रावण डोसा, देख सकते हैं साइज, देख सकते हैं रावण डोसा, रावण नाम भी अच्छा दे दिया ना, साइज देखो ना। हाँ वही तो, एक दो तीन, तीन हाथ। चलो खा लिया बढ़िया से। बाप रे बाप, राखी तरखी भाई यहाँ पे, अरे बाबा, बारोबिसाई जगह का नाम तो है, लेकिन ट्रक जो है ना बिशा की तरह है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, साला नाम जैसा ट्रक भी ऐसा ही है। आने के टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि कम से कम हम लोगों ने 200 किलोमीटर बाइक चलाया पूरा नॉन स्टॉप आने के टाइम पे, और बीच में कहीं रुके नहीं थे। तो जो पैर में स्ट्रेस पड़ता है ना, ऐसे ही नॉर्मली अगर मैं स्क्रैम लेके आता तो ये वाला जो पैर है ना, पैर थोड़ा हिलाना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है और थोड़ा स्टिफनेस जैसा फील होता है ना, तो वो वाला फील ना इस बाइक पे मुझे हुआ नहीं है अभी तक। शायद ये वाला बाइक थोड़ा ऊंचा भी है ना, तो इसीलिए हो सकता है। और 265 किलोमीटर जो अभी तक चलाया वो आने के टाइम पे हुआ था, टोटल बाइक का किलोमीटर हुआ 339 और फर्स्ट सर्विसिंग होगा 500 किलोमीटर में। तो गैंगटॉक पहुंचने के बाद वहाँ पे होगा फर्स्ट सर्विसिंग, गैंगटॉक में फर्स्ट सर्विसिंग होगा भाई, सोचने से ही अच्छा लगता है। बाप रे, अरे साला मादा देगा माँ का सकाना का, ऐसा कोई आता है क्या भाई, साला ओवरटेक करता है साला ऐसे जगह पे, और सीधा है सिलीगुड़ी, ये रहा अलीपुर द्वार का रास्ता, ये ऐसे जाएंगे तो डायरेक्ट अलीपुर द्वार मिलेगा। भाई क्या ट्रक चलाता है, बाप रे, अभी जस्ट निमती पुलिस स्टेशन क्रॉस करके आया, और यहाँ पे देख सकते हैं टीएमसी, तो पूरा दीदी का फ्लैग लगा हुआ है चारों तरफ। यहाँ पे शायद कुछ मीटिंग वगैरह भी है क्योंकि, ओ अच्छा, यहाँ पे दीदी का बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है, और देख सकते हैं कितना सारा पुलिस है यहाँ पे। और इसी के साथ बाइक का भी हो गया ट्रिपल सेंचुरी, तो 300 किलोमीटर चला लिया ऑलरेडी। अरे बाप रे, ये तो पूरा किडनैपिंग कार वाला रैली है, सब लोग कम से कम 10-15 किडनैपिंग कार आ रहा है, और दीदी का चंदा पूरा ऊपर में लेके आ रहा है। बाप रे, किडनैपिंग कार वाला रैली अच्छा है। हम लोगों को मिला हंसी मारा, और ये सब जो दुकानें देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे है पूरा चाय पत्ती का दुकान, भर भर के चाय पत्ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टी स्टेट भी है और चाय पत्ती का बागान भी है बहुत सारा, तो इसीलिए खेती बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा मार्केट ही है, हंसी मारा का मार्केट बोल सकते हैं आप लोग, पूरा चाय पत्ती का मार्केट। बाप रे, चाय पत्ती का बात किया और ये रहा चाय पत्ती का बागान, तो आगे रहा दुकान, पीछे है चाय पत्ती का बागान, और क्या चाहिए भाई, बिजनेस करो सिर्फ चाय पत्ती का बस। हंसी मारा नाम भी सही है साला, हंसी मारता है, हाँ हंसी मारता है साला, इसीलिए शायद हंसी मारा रख दिया नाम। जंगल क्रॉस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा बीरपारा, और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा तेलीपारा, तो तेलीपारा से ना थोड़ा रूट चेंज होगा, और एवरेज दिखा रहा है अभी 34, तो हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं ना स्पीड 90-100, 90-100, 80-90-100 ऐसा करके, तो इसके वजह से शायद हम लोगों को थोड़ा माइलेज मिल रहा है इस बाइक पे, फिर भी यार 34 माइलेज मिल रहा है, फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ, अच्छा है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा है भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था ये।
पहुंच चुके हैं तेलीपारा, ये बता सीधा। और यहाँ पे एक मोर आता है तेलीपारा से, आप लोगों को लेना है राइट साइड। और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है आपका लतागुरी माल बाजार सेभोक। तो हम लोग सेभोक होके जाएंगे। तो यहाँ से ना गैंगटोक 173 किलोमीटर है। और अगर हम लोग ये वाला मोड़ ना लेते तो अगर सीधा जाते हम लोग तो वहाँ पे मिलता कोलकाता। तो कोलकाता वहाँ से 663 करके था शायद, समथिंग कुछ था। बिनागुरी मिलिट्री स्टेशन, बिनागुरी। और अभी टाइम हुआ है 11:52। और यहाँ से गैंगटोक कम से कम होगा 165 किलोमीटर। हम लोग रुके हैं बढ़िया एक टी गार्डन, गार्डन का नाम है बनारहाट टी गार्डन, टी स्टेट भी बोल सकते हैं। और ये रहा बेशरम पौधा, देख सकते हैं ताचमी ताचमी नॉट। ये शरम के मारे पूरा गया, अभी अभी थोड़ी देर बाद ना निकल के आ जाएगा एकदम पूरा ऐसे। ये क्या दीदी, दारू है क्या? पेट्रोल है। ऐसे ही पूछा नॉर्मल फालतू क्या थोड़ा। और यहाँ पे ना हम लोग अभी देवपारा में है, यहाँ पे आके थोड़ा पानी पी रहा है। और राइट में ना ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पानी बहुत कम पीते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पानी पीना चाहिए। तो बीच में यहाँ पे रुक के थोड़ा पानी पी रहा। चलो ठीक है, चलो यार पानी पी लिया। बाप रे, अभी थोड़ा मन को शांति मिला। बाप रे बाप। वेलकम टू नगराकाटा। तो नगराकाटा जाते हैं उस साइड, भूटान बॉर्डर शेयर करते हैं। बाप रे बाप, नगराकाटा नाम भी तो खतरनाक है ना, नगराकाटा। ये है गोरुमारा नेशनल पार्क। और यहाँ से जाते हैं सिलीगुड़ी सेभोक 48 किलोमीटर, सिलीगुड़ी है 70। आज आने के टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये साला आज तो ऑफ रोडिंग मिला ही नहीं एक बार भी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मल। फिर भी अच्छा लगता है ऑफ रोडिंग मिलने से। साला हिमालयन लेके आया लेकिन ऑफ रोडिंग मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना चला के। ओ हो, बाप रे बाप। टन टन। और यहाँ पे बहुत पानी है अभी, शायद यहाँ पे बहुत बारिश हुआ है। और हम लोग पहुँचने ही वाला है टाइगर ब्रिज। और टाइगर ब्रिज के नीचे से जो एक लेक बहता है ना, रिवर, तो यही है। ये पानी का कलर भी थोड़ा गंदा है, शायद बारिश बहुत ज़ोर से हुआ है इस साइड। अभी हम लोग पहुंच गए कोरोनेशन ब्रिज। तो इस ब्रिज को ना कोरोनेशन ब्रिज भी बोलते हैं और टाइगर ब्रिज भी बोलते हैं। बहुत सारा लोग ना यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए आए हैं। और हम लोग जाएंगे इस साइड, जाएंगे इस साइड, जाएंगे तो आप लोगों को गैंगटोक मिलेगा, दार्जिलिंग मिलेगा। और इस साइड जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सिलीगुड़ी। तो हम लोगों को जाना है इस तरफ। गैंगटोक 92 किलोमीटर। अभी आ रहा है ना पहाड़ों वाला फील। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये मेरा सेकेंड टाइम है। लास्ट 2 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग भी इसी रास्ते से जाता है। और मैंने भी एक नया जर्नी शुरुआत किया था, वो है हिंदी में व्लॉगिंग। तो पहले मैं करता था मेरा लोकल लैंग्वेज में व्लॉगिंग, और अभी दार्जिलिंग के बाद, मतलब दार्जिलिंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया हिंदी में व्लॉगिंग। साला कुछ साइड पे डैम बनेगा तो इसीलिए पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो भयानक काम चल रहा है भाई, यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा तो कैसा होगा। हाँ, सोचने से भी डर लगता है साला। और एक इसका गाड़ी है सावधान के ऊपर। अरे ये जो व्यू है ना, बाप रे बाप, एक अलग ही लग रहा है। बाप रे, मेरा बाइक का नंबर तो आ गया लेकिन प्लेट नहीं आया, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी कर सकते हैं वहाँ पे सिक्किम में। तो थोड़ा जुगाड़ भी करना होगा। अगर वहाँ पे गैंगटोक में कुछ नंबर प्लेट बनाने का कोई दुकान वगैरह मिलेगा तो चिपका लेंगे वहाँ पे, क्योंकि आगे हम लोगों को ना नाथुला पास जाना है, योमथंग जाना है, तो वहाँ पे ना प्रॉब्लम कर भी सकता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, देखते हैं ना।
यहाँ पे तो बहुत बड़ा लंबा लाइन है भाई, बहुत ही लंबा लाइन है। यहाँ पे तो ट्रेन भी नहीं है, तो ट्रेन का लाइन तो नहीं होगा ये, शायद कुछ लैंडस्लाइड वगैरह का कहानी तो नहीं है यहाँ पे। ओह शिट, यहाँ पे तो ये वाला रास्ता पूरा टूट चुका है, पूरा लैंडस्लाइड हो गया। वो पहाड़ वाला जो मिट्टी दिख रहे हैं ना आप लोग, दिखाई देगा कि नहीं, वो भयानक लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। अभी रास्ता अभी शायद वहाँ पे कुछ देगा ताकि और लैंडस्लाइड ना हो। बहुत ही भयानक सीन है भाई यहाँ पे। इस साइड वाला जो गाड़ी है ना अभी हिला भी नहीं, बहुत देरी हो गया। ये वाला रोड तो पूरा टूटा हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑफ रोडिंग मिला ही नहीं, साला भयानक ऑफ रोडिंग हो रहा है अभी। यहाँ पे ना भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, भयानक, इसलिए पूरा रोड टूटा हुआ है। और अभी शायद ये वाला रास्ता भी बनेगा, देख सकते हैं सारा जो पत्थर है ना वहाँ पे, पहाड़ का है, पहाड़ भी काट दिया शायद पूरा वो वाला। वहाँ पे फोकलैंड भी है, फोकलैंड मतलब वो जेसीबी का भाई, बारा भाई। साला क्या रास्ता है भाई, अगर ये रास्ते से रात को आएंगे ना तो कैसा होगा। अच्छा किया जो हम लोगों ने अभी ये जगह पहुँचा, अगर दो घंटा भी लेट होंगे ना तो एक अलग ही सीन होता यहाँ पे। जैसे तैसे आ तो गए लेकिन अमित अभी तक आया नहीं। चलो आ गया, बाप रे भयानक सीन था गाइस, भयानक। ओ यहाँ पे शायद कुछ टनल बनेगा, टनल प्रोजेक्ट, तो ऐसा रहा टनल प्रोजेक्ट, कुछ टनल प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पे। हम लोग आए थे उस तरफ से और यहाँ से ना एक अलग ही नज़ारा है भाई, और यहाँ से शुरू होता है सिक्किम, तो वेलकम टू सिक्किम। और पीछे छोड़ दिया वेस्ट बंगाल, अभी हम लोग सिक्किम में है भाई। हा हा हा, चलो सिक्किम। और अभी फ्यूल अप करा लिया 1080 का, पूरा फुल टैंक फुल हो गया। अभी आप लोगों को मैं बोला था कि माइलेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे रहा 329 हम लोगों ने चलाया था वहाँ से, और 329.2। और यहाँ पे पेट्रोल डलवा लिया मैंने 10.71। आप लोग अगर डिवाइड करेंगे 329.2 डिवाइडेड बाई 10.71, माइलेज आता है 30.2, और यहाँ पे दिखा रहा है 32.9। तो डिजिटल मीटर है ना, थोड़ा ज़्यादा तो दिखाएगा ही है ना, तो थोड़ा बहुत तो निकल दिया यहाँ से। एग्जैक्ट यहाँ पे जो दिखाता है ना वो होता नहीं है असल में। अरे बाप रे, कहाँ घुस गया हम लोग, गुफा में। तो ये एक टनल है, टनल के अंदर से हम लोग आ गए। ओ हो, ये रहा रानी पुल ईस्ट सिक्किम, हम लोग अभी रानी पुल में है। हम लोग तो पहुंच गए रॉयल एनफील्ड का डीलर, अभी देखेंगे यहाँ पे सर्विस होता है कि नहीं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। ये वाला सिर्फ डीलर है, तो आगे सर्विस सेंटर है, आगे जाके 1 किलोमीटर, उसके बाद हमको मोड़ना होगा लेफ्ट साइड। अभी हम लोग है एपेक्स मोटर्स, जो गैंगटॉक में है, एपेक्स मोटर्स देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का। तो कल जो डिलीवरी लिया था बाइक, आज फाइनली फर्स्ट सर्विसिंग के लिए दे दिया यहाँ पे, जो एपेक्स मोटर्स है। और एक दिन में ना फर्स्ट सर्विसिंग होगा। अमित भाई ये लोग शौक हो गया, शौक हो गया ना पूरा। और अभी टाइम हुआ है 4:34, और नॉर्मली ना रॉयल एनफील्ड का जो सर्विसिंग होता है 6 बजे के बाद होता नहीं है, और थोड़ा बहुत आके रिक्वेस्ट किया और बोला कि हम लोग जाएंगे कल नथुला, अगर सर्विसिंग नहीं होगा तो हम लोगों को रुकना पड़ेगा और एक दिन। तो इसीलिए उन लोगों का थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोगों ने थोड़ा ओके किया। और जल्दी कोई है नहीं हम लोगों का, क्योंकि हम लोग तो रहेंगे गैंगटॉक में, पास में ही है, मतलब गैंगटॉक में ही है हम अभी, और होटल होगा हम लोगों का थोड़ा आगे देखेंगे ना, एमजे मार्ग के पास। बाइक हो रहा है सर्विसिंग, और अभी हमें यहाँ पे फास्ट फूड नज़दीक में ही है, तो ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा खाना है, क्योंकि बहुत देरी कुछ खाया नहीं था। और ये रहा मेनू, बहुत कुछ मिलता है लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया मोमोज, खाते हैं भाई, भूख लग रहा है बहुत जोर से, है ना अमित भाई।
खा लिया लेकिन वो ठीक नहीं था। मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई। और सूप जो था ना सूप इतना अच्छा नहीं था, प्याज भरती था। ठीक है, हम बुराई नहीं करेंगे सिक्किम में आके, ना बुराई नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं होगा ना, होगा होगा। अरे बाप रे, छपरी राइडर। और बाइक हो गया रेडी और सर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट सर्विसिंग था तो 4 बजे आ गए थे यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ओके, बहुत ही हेल्पफुल था यहाँ के लोग, और मैम था और एक सर था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि 4 बजे आके सर्विसिंग का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अभी टाइम हुआ है 5:56, तो 2 घंटे लगा सर्विसिंग करने में। फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज किया मोबिल, फिल्टर और थोड़ा चेन लूप करा दिया, और बिल हुआ है 1580 रुपीज़। चलो फर्स्ट सर्विसिंग डन गाइस, फर्स्ट सर्विसिंग डन फाइनली। गुवाहाटी से आके गैंगटॉक में सर्विसिंग करके अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं। साला क्या करते हैं यार हम लोग बिना, अभी ना जुगाड़ करना है, मेरा जो नंबर प्लेट है ना उसका जुगाड़ करना है, नहीं तो आगे शायद जाने के लिए नहीं देंगे। अभी हम लोग गैंगटॉक बाईपास में है, तो यहाँ पे ना एक बाइक का एसेसरीज का दुकान है, यहाँ पे लगाने के लिए दिया मेरा नंबर प्लेट। तो गुवाहाटी से हम लोग ऐसे पेपर में चिपका के आ गए थे, तो आगे ना हम लोग जहाँ पे जाएंगे नथुला वहाँ पे पास वगैरह का थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे ना एक टेम्पोरारी नंबर प्लेट लगा लेंगे हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पे बनाने के लिए दिया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही गया हम लोगों का नंबर प्लेट, देखते हैं टेम्पोरारी है फिर भी काम आता है कि नहीं। भैया तो बोला कि काम आएगा ना दोस्त, काम आएगा। बढ़िया, ये रहा हम लोगों का जुगाड़, तो देख सकते हैं ये नंबर प्लेट डुप्लीकेट है लेकिन फिर भी क्या करेंगे, है ना। ऐसे ही टेम्पोररी नेम प्लेट लगा लिया सेफ्टी के लिए। ऐसे तैसे हो गया मैनेज, अभी जाना है पूरा होटल। बाप रे क्या नहीं किया भाई। आई लव गैंगटॉक बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है, और ये वाला जो है ना MG मार्ग है। बाप रे वॉकिंग स्ट्रीट है शायद ये, सब लोग पूरा मौज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग भी बाइक रख के आते हैं ना। चलो भाई आ गया होटल, और होटल का नाम ना नीचे बताऊंगा, मतलब भूल गया। और दरवाजा बंद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी आइए। ये रहा हम लोगों का होटल, होटल बजरा रेसिडेंसी, और यहाँ पे कर दिया बाइक पार्किंग। और हम लोग जिस जगह पे रुके हैं ना यहाँ पे होटल ही होटल है, यहाँ पे देख सकते हैं होटल तुसीता, यहाँ पे देख सकते हैं तारा पैलेस। बाप रे बाप क्या क्या नाम है। और यहाँ से ना MG मार्ग 300 मीटर या 400 मीटर दूरी में है, तो 3-4 मिनट में पहुँच जाएंगे हम लोग। थोड़ा देर पहले यहाँ पे कितना भीड़ था, लेकिन अभी ना इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभी टाइम हुआ है 10:26, और हम लोगों ने खा लिया पूरा खाना, रोल और मोमोज खा लिया। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं MG मार्ग से, अभी टाइम हुआ है 11:15, और खाना वाना खा के पूरा मस्त अभी सोना है। और दिन भर ना पूरा स्ट्रेस में गया हम लोगों का, क्या नहीं किया आज। पहले गुवाहाटी से डायरेक्ट आ गया गैंगटॉक, वहाँ पे सर्विसिंग किया बाइक का, उसके बाद हम लोगों ने किया थोड़ा बहुत जुगाड़ नंबर प्लेट का, और अभी थोड़ा MG मार्ग से आके थोड़ा सोना है बस। और कल क्या करेंगे हम लोग सब कुछ बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अभी सोते हैं मस्त, ठीक है। चलिए आप लोग भी सोइए, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। चलो सो गया, चलो।